हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कुछ रात में स्टार्ट हो रही है। रात में स्टार्ट होने का एक रीज़न भी है, बिकॉज ये जो वीडियो होने वाली है ये आपके हेडलाइट के अपग्रेड के ऊपर होने वाली है। कई बार आप लोग हेडलाइट को अपग्रेड करते हैं, नॉर्मल जो हैलोजन बल्ब गाड़ी में लग के आते हैं इसको बदल के हम लोग लगा लेते हैं LED। ये मेरे पास LED है, आज फोनिक्स की LED है और LED का ये सेट है। तो आज हम करने वाले हैं क्या, आज हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे पहले आपके हैलोजन की लाइट में, जो कि स्टॉक बल्ब आते हैं गाड़ी के अंदर, उसके साथ ड्राइव करेंगे और देखेंगे रिस्पॉन्स क्या आता है। पॉजिटिव नेगेटिव्स अगर मैं बोल के बताता तो शायद इतना क्लियर नहीं हो पाता, तो मैं चाहता हूं कि इस रात को शूट करूं और रात को शूट करके ये चीज़ आपको क्लियर दिखा दूं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गाड़ी को और हैलोजन पे देखेंगे कि हैलोजन पे कैसी चल रही है। व्यू आप लोग समझ पाएंगे कि कितना व्यू आ रहा है। रोशनी के ऊपर फिलहाल अभी मत जाइए कि रोशनी कितनी है, आप ये देखिए कि देख क्या पा रहे हैं, सामने वाला उसको कैसे समझ पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो अभी इस वीडियो में थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएंगे। आपके सामने ही ऑन कैमरा हेडलैम्प चेंज करूंगा, हेडलैम्प नहीं, उसके हैलोजन बल्ब को चेंज करूंगा और फिर वहां LED लगाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फिलहाल अभी जो गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं वो स्टॉक जो 55-60 के बल्ब आते हैं हैलोजन, वो बल्ब गाड़ी में लगे हुए हैं। और अभी मैं एक ऐसी लोकेशन पे गाड़ी को लेके आया हूँ जहाँ पे कि बाहर का लाइट का सोर्स वगैरह ना हो और अंधेरी रात, तो रात में इसको शूट ही कर रहे हैं हम लोग। तो रात में कैसा व्यू आ रहा है हैलोजन से एक बार आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको लंबा चला लेता हूँ और सामने से कुछ बाइक वाली भी आ रही हैं और बाइक वालों को ये कितना इरिटेट करता है वो भी एक बार नोटिस कीजिएगा। और बल्ब को जब चेंज करेंगे बिना किसी टूल के तो वो भी आप देख लेंगे कि कैसे हम चेंज कर पाते हैं। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये अतुल पाटिल जी करके हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, तो उनकी रिक्वेस्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो में सिर्फ फैक्ट दिखा रहा हूँ। कंपनी का काम है अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताना, मेरा काम है आपके साथ लॉयल रहते हुए सच दिखाना। अब यहाँ पे एक बार हम लोग चेंज करेंगे लाइट को, लाइट इंस्टॉल करेंगे हम अपनी ये LED फोनिक्स के, इसको एक बार इंस्टॉल करके और फिर देखते हैं अब कैसा एक्सपीरियंस होता है। और ये साथ में हमारे हैं खड़े हैं प्रमोद भाई, और प्रमोद भाई बहुत हेल्प करते हैं हमारी वीडियो शूटिंग वगैरह में, कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो। चेंज करने के लिए सिंपल कनेक्टर हटाना पड़ेगा हमें, ये हमने हटा दिया, डस्ट कवर हटाना पड़ेगा, लॉक होते हैं यहाँ पे सिंपल, ये दिखाता हूँ इस तरह से, ये हटा दिया हमने, ये हमने हटा दिया। थोड़ी सी सावधानी क्या रखनी है, आपको इसके आगे टच नहीं करना है, कभी भी इसको पीछे से पकड़िए, जब तुरंत निकालेंगे तो थोड़ा सा गर्म होगा, ये भी ध्यान रखिए, अभी सर्दी का मौसम है तो हाथ ठंडे हैं ऑलरेडी। ये है हमारी LED, MRP दिखा देता हूँ इसकी, MRP है 4500, मिलेगी आपको अप्रोक्स 2000 के आसपास। इंस्टॉल करने के लिए पीछे फ़ैन है, फ़ैन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाथ में ऐसे लग के फ़ैन ख़राब ना हो। कवर है, ये कवर क्या है, ये फिटमेंट के लिए है, H4 फिटमेंट के लिए, इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से, ये निकल गया। ये जो कवर था पहले इसको करेंगे इंस्टॉल। राइट, ये हमने लगा दिया इधर इसका लॉक, सिर्फ कवर यहाँ लग गया, अब यहाँ पे लगा देंगे डस्ट कवर। अब ये आ गई है आपकी LED, अब इसको हमने प्रेस कर दिया कनेक्टर, ये अब हमारे सामने आ गया। और ये कनेक्टर था हमारा जो हेडलैम्प में लगा हुआ था, लगा दिया मैंने। एक बार ऐसे ही ऑन करते हैं बिना गाड़ी को स्टार्ट किए, इग्निशन ऑन, LED, लो बीम हाई बीम, शीशा साफ कर दिया मैंने, और ये आप लोग यूज नहीं करो, आप लोग अपना कुछ पेपर वगैरह से करना, हमारा ये प्रमोशनल है इसलिए इसको यूज कर रहे हैं। शीशा अभी भी थोड़ा गंदा है, हेडलाइट ऑन, अब चलते हैं वापस की तरफ, रोशनी दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा शीशा अभी भी गंदा है ना, क्यों रोज गंदा दिख रहा है ना। हाँ गंदा। अभी गाड़ी को सामने रख के और अपने आप को मैंने फील किया जैसे कि मैं सामने हूँ और गाड़ी से आ रहा हूँ, तो करीब 50 फीट दूर से मैंने फील किया कि कैसा दिख रहा होगा।
राइट ज़्यादा है 40-50 होगा इतना तो है कि जैसे जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए तो कंफर्ट है हाँ लेकिन सामने वाले के लिए दिक्कत है। तो अभी वो पहले हमने जो शूट किया वो किया अंधेरे रोड पे और अभी हम आ गए हैं हाईवे पे। देखते हैं आगे इस हाईवे पे क्या रिस्पांस है। सारा कुछ जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है और कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं है इसके अंदर। जो है जैसा दिख रहा है वैसा ही मैंने आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन मुझे जो फील हो रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे क्या फील हो रहा है कि सब कुछ ठीक है, रोशनी बड़ी है इसकी और LED भी है, अच्छी क्वालिटी की है। तो इसके कलर डिफरेंस है, एक तो एक बार ये थोड़ा सा येलोइश शेड आता है इसका, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बेनिफिट दे, लेकिन सामने वालों के लिए परेशानी खड़ी करती है। सामने से कोई आ रहा हो, जैसा भी मैंने पहला पिछला शूट लिया जहाँ मैं सामने से देखा कि कितना इरिटेट कर रही है, तो एक अच्छा खासा लेवल का इरिटेट कर रही थी। कभी ऐसा होता है कि हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामने वाला ना देखने की वजह से आके हमसे टकरा जाता है, तो वो एक घाटे का सौदा होता है मेरे समझने से। LED से लाइट का फर्क कितना पड़ता है, सिर्फ ऐसा देखने में लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा रोशनी होगी, लेकिन क्लियरिटी जो आती है वो हैलोजन के येलो रोशनी में आती है। और सबसे बड़ा फैक्टर इसका ये रहता है कि थोड़ी सी भी अगर धुंध आई तो उस धुंध में LED बिल्कुल फेल हो जाती है, वो और इतना रिफ्लेक्ट कर देगी कि आपको जो दिख रहा होगा बिना LED के वो भी नहीं दिखेगा। कई बार ऐसा होगा कि आप लाइट बंद करके उतना देख पाएंगे, डे टाइम में कभी आपने फोक को फेस किया हो तो, जब आप LED ऑन करेंगे तो उस जगह पे बिल्कुल ही वो फेल हो जाएगी। हाँ हैलोजन होगा लो बीम पे तो वहाँ काम करेगा। तो ये थे इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट जो भी हैं। कोई एक्स्ट्रा ना मैं तारीफ करूंगा, मैं एक अपना एक्सपीरियंस दूंगा मैं क्या पसंद करता हूँ, हाईवे पे चलना हो या लोकल पे चलना हो। हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, सामने से जो बाइक वाला आ रहा है उसका भी हमें ध्यान रखना है। हम बड़ी गाड़ी पे बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने एक छोटा 800 वाला आ रहा है तो हम उसके ऊपर रोशनी डाल के उसको परेशान कर। ये सामने देख रहे हैं दो लाइट हैलोजन लगी है और बीच में एक LED। आपको खुद एक LED इरिटेट कर रही होगी जबकि बगल वाली हैलोजन लाइट ये इरिटेट नहीं कर रही है। इन्होंने भी कुछ अलग टाइप का अपग्रेडेशन किया है लेकिन ऐसा अपग्रेड मुझे लगता नहीं है कि किसी काम का है। हमारी रोशनी इस कार पे ऐसी पड़ रही है। और अगर वाकई में आपकी रोशनी बहुत ज़्यादा कम है, आप अपग्रेड करना ही चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए। सबसे पहले तो अपनी लाइट का अलाइनमेंट चेक कीजिए, लाइट सही अलाइनमेंट में पड़ रही है नहीं पड़ रही है। अभी मेरी जो गाड़ी है इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा आउट है, बिल्कुल सही नहीं पड़ रहा है, तो पहला अलाइनमेंट चेक कीजिए। सेकंड अपनी हेडलाइट के रिफ्लेक्टर भी चेक कीजिए। कई बार रिफ्लेक्टर खराब होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि लाइट काम नहीं कर रही, दिख नहीं रहा है और हम बल्ब बड़े लगाते हैं और सब कुछ काम कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्टर को चेक कीजिए। आगे का जो ग्लास है कहीं वो तो येलोइश नहीं हो चुका है तो उसको भी चेक कीजिए। और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हैलोजन जो बल्ब होते हैं वो एक बेस्ट क्वालिटी का हैलोजन बल्ब लीजिए, जैसे एक्सट्रीम वगैरह आते हैं। थोड़े से वो कॉस्टली होते हैं लेकिन उनका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, तो वो हैलोजन आप अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी मेरी ज़रूरत फुलफ़िल नहीं हुई है, तो जैसे कि मैंने एक फोग लैंप दिखाई थी आपको, प्रोजेक्टर फोग लैंप, उस टाइप की अगर अलग से इंस्टॉल कर लें तो वो एक अच्छा आइडिया होगा। और रही बात HID की, एक HID बल्ब भी आते हैं लेकिन HID जो होती है वो मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। जितने हम पैसे खर्च करते हैं और जितना मेंटेनेंस, कई बार वो जल्दी ख़राब होते हैं तो उनको देखते हुए पैसे जो लगते हैं वो कुछ ज़्यादा लगते हैं और इतने ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होती अगर मैं सच कहूं तो। आप एक अच्छी ड्राइव करना आप सीख जाएंगे, आपको फैक्ट पता चल जाएंगे कैसे लाइट से बचना और कैसे रोशनी में देखना है, तो आपके लिए जो रोशनी कंपनी ने दी है वो इनफ होगी। मैंने जो एक फैक्ट दिखाया शायद वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो शूट हो पाई प्रमोद भाई की वजह से। प्रमोद भाई एक आवाहन ग्रुप चलाते हैं, पॉल्यूशन फ्री जर्नी, साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं, पहाड़ों पे भी वो साइकिल चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका छोड़ दूंगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करके जाइएगा। मन में कोई सवाल आता है तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।